अच्छे से पूरे अच्छे से साफ होना चाहिए, ठीक है? मम्मा आ रही है ना, सरप्राइज देना है ना, क्लैपिंग करेंगे, ओके? जल्दी से करो, जल्दी करो, जल्दी काम करो। अरे बेडशीट लगाओ, बेडशीट, जल्दी काम करो, काम पे लग जाओ, जल्दी काम करो। ये लो। हेलो बेटा। जीजू अब तक छह बलून फुलाए हैं और छह में से तो इन्होंने पांच फोड़ ही दिया है। बेटा मम्मा खाने का टाइम हो गया। बस 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 बेटा तुम्हारे पापा ना पूरा एक पकड़ते ना तो पकड़े रह जाते हैं, ठीक है? हाँ बोलो डे डे दिमाग है तब और क्या क्या प्लान करना है? और बस मैं सोच रहा हूँ जैसे गेट खोलो ना केक मारो ऐसे दाव ठीक रहेगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा केक लाना पड़ेगा। अरे सरप्राइज बेटा मम्मा के लिए सरप्राइज, ठीक है ना? एक नंबर। रानी को पसंद आएगा ना सरप्राइज? बहुत पागल हो जाएगी आज तो। नहीं तो फिर रहने दो। वैसे ही बोलते रहते तुमको डॉक्टर की जरूरत है। पागल की सर कैसे पागल हो जाऊंगा? पागल हो जाएगी तो फिर कैसे होगा? मैंने बलून ही कमजोर लेके आया और जो भी लेके आया आप ही लेके आए हैं। रानी बाद मजा आएगा ना। अच्छे से पूरा फुल साउंड में हम लोग सॉन्ग बजा देंगे। सॉन्ग में बजाना है? हाँ। तो गाइस आप लोग को लग रहा होगा कि ये किस लिए हो रहा है कि रानी का हाँ तो गाइस आप लोग को लग रहा होगा कि ये चल क्या रहा है, किस चीज का सरप्राइज? ना तो रानी का बर्थडे है, ना हमारी एनिवर्सरी है, ना काजल का बर्थडे है, ना ईशान का बर्थडे है, कुछ भी नहीं है। एक्चुअली हुआ ये है कि गलती से रानी का जॉब हो गया कि वो गई है स्कूल में पढ़ाने अपने वर्क प्लेस पे। कभी वो आने के बाद उसको हम लोग सरप्राइज दे रहे हैं कि फाइनली तुम हाउसवाइफ से अब वर्किंग वाइफ हो गई। तो ये सब भी सरप्राइज जो है उसी के लिए, ठीक है? बाकी मेरा तो 30% ही इसमें पार्टिसिपेशन है, बाकी 70% उसी का है। बेटा तो कुछ पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा और परेशान कर रहा है। क्या कर रहे हो तुम? What the hell you're doing? क्या कर रहे हो? ये क्या किया? ये पार्टिसिपेशन है तुम्हारा? ये नालायक बच्चा। दो डैड चुप डैड निकल गया तो मोचे के साथ रह के बोलो। हाँ हाँ मम्मा कब आएगी बेटा? मम्मा बोलो अभी खुला रहा है। अरे वाह ओए पूछ। हाँ फुलाओ 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 फुलाओ। कितना खुश है ये। ओह माय गॉड बेटा मम्मा को सरप्राइज दे रहा है। निशा मम्मा को सरप्राइज। बेटा ही दे रहा है आपने यार। ये सातवां था। ये कौन लेके आया है डुप्लीकेट? आप लेके आए हैं सारे आप फोड़ दिए। ईशान फिर से ऐसा लग रहा है निशान कहीं पर दे रहे ये ओवर एक्साइटेड हो रहा है निशान। ईशान ये देखो, ईशान ये देखो, ईशान ईशान लुक हियर ding 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 ding
राजन हाँ हो गया, आप क्या करना है? बस हो गया, टाइम कितना हुआ? टाइम यार 2 बजने वाला हो गया टाइम यार। हाँ ऑलमोस्ट आई गया यार, निकल गई होगी स्कूल से। हाँ अब यहाँ पे बस एक टेबल अरेंज कर देते हैं, केक ला रख देते हैं, मैं तब तक करती हूँ, आप बस बाहर जाके देख कर क्या जब वो आते नहीं। अरे यार बाहर जाके देखने की क्या जरूरत है, आई भी तो बेल बजेगा ही, एक बार देख लो ना बाहर जाके। शान हो गया सारी तैयारी? हो गया, क्या करेंगे अभी? क्या मम्मी को सरप्राइज देना, गाड़ी चलाएंगे, क्या करेंगे? गाड़ी चलाएंगे। मम्मा आ गई, मम्मा जल्दी 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 चलो जी, जल्दी से गेट खोलो। हाँ आइए आइए। आप 5 बजे से पहले आ गए? यस। कैसा रहा स्कूल आज? अच्छा रहा, थोड़ी थक गई हूँ। लाओ यार पानी वानी पिलाओ। क्या बात है, आज इतना प्यार आ रहा है। ऋषाद मम्मा को मिस किया? बोलो, फालतू काम नहीं करता हूँ। जल्दी से जाओ ना, सरप्राइज तो दीदी को कुछ लेके आए थे ना आप आज दीदी के लिए। सरप्राइज? हाँ क्या है? बहुत बर्तन रखा हूँ तुम्हें, कपड़े भी बहुत है, वो तो मुझे पता है, वो रोज रहता है। देखो ओह माय गॉड, ये क्या है? ये तो, बलून है। वो तो मुझे दिख रहे है बलून है, बट ये बलून किस लिए? क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। नो, ईशान का बर्थडे हुआ था। ईशान का बर्थडे हो गया है। मेरा होगा फिर। आपका नवंबर काजल का होगा। काजल दिसंबर में। काजल बताओ ये बलून किस लिए? जीजू ने आपको सरप्राइज दिया, आपका जॉब लग जाने की खुशी में। थैंक यू, तुम्हारी परेशानी खत्म होने की सरप्राइज है। अब आप फाइनली हाउसवाइफ से वर्किंग वाइफ बन चुके हो। हाँ, इस बात की तो मुझे बहुत खुशी है। चलो अब तुम, अब एक और सरप्राइज है। एक और सरप्राइज है? यस। क्या है? मैं ले जाता हूँ। ये लो, देखो ये क्या है। पता है जीजू अभी गए हैं और आपके लिए ये ले करके आए हैं। अभी? अभी। I don't believe. अरे सीरियसली? सच में? हाँ, और क्या? ये क्या है? कुर्ती है? जी जो अपनी पसंद से लेके आए, बहुत प्यारी है। पहन के आओ, मेरे को अच्छा लगेगा ना? बहुत प्यार लगेगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। ओके, कैसी लग रही है? ओह माय गॉड, ड्रेस बहुत प्यारा है। अरे वाह, ये सब क्या है? रिशान नाइफ लेके पहले से तैयार है। बेटा क्या कट कर रहा है? हॉट डॉग। शान मामा जाती है तो मामा को मिस करता है बहुत, बहुत मिस करता है। मामा को खिलाएगा। थैंक यू। थैंक यू, तो आ जाओ। अरे वाह, ऐसे खाते हैं? बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. Happy birthday. La 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 la. सबसे पहले कौन खाएगा? अच्छा लगा? ये तो एक नंबर। इतना सारा सब कुछ मेरे लिए अकेले छोड़ के गए हैं, मैं अकेले खाऊंगी। एक ही खा दूं रे घर में। आप दोनों की तरफ से जो मुझे सरप्राइज मिला मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों को निशान कहाँ गया? बेचारा इतने बैलून फुलाए हैं। ये बहुत मेहनत। सच में निशान? हाँ बहुत मेहनत किया। बोलो हाँ, बोलो हाँ। और थैंक यू सो मच, स्पेशल थैंक्स टू निशान। स्पेशल थैंक्स टू निशान? हाँ आप ही ने बोला ना, इसने बहुत मेहनत किया है और इसका छोटा सा भी मेहनत मेरे लिए बहुत है, है ना बेटा? भाई हमारा तो कोई मतलब ही नहीं। राजा
बोलते थे कम फुलाओ, हम लोग वेस्ट थे, बोल ही रहा था मैं कि कम करो, नहीं जीजू फोड़ दिए, फाड़ दिए। तीनों को थैंक यू सो मच मेरे लिए सरप्राइज प्लान करने के लिए, और वैसे मुझे बहुत भूख लग रही थी। ईशान सामने से तो हटो, हट जा बेटा, इधर आ जा। ईशान देखो, ये देखो मम्मा को, यार कुछ बोल लो, मैं तो पहले खा लो, और या तो आप हम लोग को थैंक यू बोल दो। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही थी भाई, मैं तो खा ली। थैंक यू सो मच आप तीनों को जो मेरे लिए इतने अच्छे सरप्राइज प्लान किए। ओके बलून भाई, ये सरप्राइज वरप्राइज कुछ नहीं, सैलरी 1 तारीख को दे दिया करना, ठीक है। तो ये सारा सरप्राइज सैलरी के लिए है। तो जीजू बोल भी रहे थे कि देखो रानी का पहला सैलरी आएगा तो वो पूरा सैलरी मेरा होना चाहिए। मैं कहाँ गई? तो अभी से जितना जीजू का सैलरी है वो आपका है, और आपका सैलरी जीजू का। नहीं भाई, ये गलत बात है। नहीं 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 भाई, मैं उतनी एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। बस बस रहने दो। डील फिक्स हो गई है, डील फिक्स हो गई है पापा मम्मी के बीच में। वैसे स्पेशली थैंक्स टू ईशान काजल, अब मैं तो रहने दो, आप कुछ बोलो ही मत। इसके लिए अगर काजल नहीं होती तो आई डोंट थिंक अभी हम ज्वाइन कर सकते, है कि नहीं? तो काजल है अभी, ईशान को भी देख लेती है, और वैसे मम्मी तो आ ही जाएगी। तो फिलहाल मम्मी आज नहीं भी आ जाएगी तो काजल का ठीक है काम, वो ठीक है ना, थोड़ा बर्तन वर्तन माँजना सिखा दो, खाना वाना बनाना, मेरे हाथ खराब हो गए। डॉक्टर को दिखाना। क्यों, क्या हो गया? हाथ वाली प्रॉब्लम। क्या हो गई हाथ में? पानी छूने में प्रॉब्लम, मैं ससुराल जाऊंगी तो क्या मुंह दिखाऊंगी। अच्छा तो है, पहले से ही मैं बता दूंगा क्यों, पानी छूते ही हाथ लाल हो जाते हैं उसके। रहन दो, कोई काम नहीं कराएगा आपसे, काम नहीं करना पड़ेगा। बताओ आईनी की नखरे स्टार्ट हो गए है ना बेटा? मेरे तरफ से तो हो गई पार्टी, अब तुम कब दे रही हो पार्टी? हाँ यार दीदी, अच्छी खासी पार्टी देना, ये सस्ते वाला काम मत चलाना। सस्ते वाला काम किया नहीं, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है। और क्या, सुनो अच्छे से पार्टी बताओ। सुनो पार्टी वार्टी तो बाद में, पहले अच्छे से मेरा शॉपिंग कराओ, ईशान का, काजल का, फिर कम से कम एक कपड़े तो होने चाहिए। और सुनो, एक वीक तक कंटिन्यू रेस्टोरेंट में पार्टी होनी चाहिए। काजल जब 8-9 साल की थी तो ये पापा इसके ड्रेस लेके आए थे, वही पहनी हुई, कलर उलर भी वैसा ही है, लाल पीला, लाल पीला। बचपन की मैंने सोचा, बचपन वाले दिन बहुत दूर हो गए ना, तो आज जी लेती हूँ। मेरे को लगता है मामा जी मिले थे। ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है, थैंक यू सो मच जानो, अच्छा लग रहा है ना ड्रेस के लिए? थैंक यू ना बोलो, ठीक है ना, एक के बदले अब दो कर ही देना। उदयपुर ले चलो घुमाने, उदयपुर चलना चाहिए, कहीं तो बाहर चलो। हाँ यार उदयपुर भी चलो, अब वैसे भी मेरे जाने का टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ। प्लीज मत जाओ। कहाँ जा रही हो? भाई साहब बर्तन माजना नहीं सीखी हो ना, खाना बनाना सीखी हो, जाना है। पढ़ लिख रही हो ना, घर में नौकर चाकर रखूंगी। रहन दो, वो सब होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, अभी सीखो थोड़ा, यहाँ पे चावल दाल आलू का भुजिया आता है ना, वो बहुत अच्छे से आते हैं मुझे। चलो ठीक है, गाना प्ले करो, अब हम लोग करेंगे। सो गाइस ये देखो हम लोग कहाँ बैठे हैं, बन ठन के निकली है मैडम, और इसको देखो बाहर निकलते ही सो गया है। तो इतना हम लोग बन ठन के निकले थे उदय भवन घूमने के लिए, तो वहाँ का तो गेट क्लोज था, तो फिर हम लोग वापस आ गए, और पतिदेव को कुछ काम था तो वो बोले तब तक तुम लोग मंदिर में बैठो और मैं आता हूँ, फिर कहीं और चलेंगे।
और किस्मत देखो, दिखाती हूँ, ये देखो मंदिर का भी गेट क्लोज और हम लोग मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं, तो इसे क्या कहते हैं? गुड लक, बैड लक। इतने खुश होकर निकले थे आज, इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया। काजल और ध्रुव की तरफ से इतना अच्छा सरप्राइज़, मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा। सही में देखो इतना मेहनत किया तभी तो इसको नींद आ रही है, थका हुआ था। अभी निशान जगा रहता ना, बाह बाह करता। डॉग का फाइट स्टार्ट हो गया, मुझे डर लग रहा है। काजल चले यहाँ से, डोंट बी स्केयर्ड। इतने सारे डॉग, निशान भी उठ जाएगा। यार हम लोग कहाँ आके फंस गए हैं। सो गाइस फाइनली आज मैं बहुत 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 हैप्पी हूँ। तो हैप्पी तो मैं पिछले 1 वीक से हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी कुछ बातें। तो मैंने पूरे 5 साल बाद फिर से अपनी जॉब स्टार्ट की है और मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मैंने अपना प्रोफेशन भी चेंज किया है, तो मैं अभी टीचिंग लाइन में हूँ एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई जॉब। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास अभी मेरी प्यारी प्यारी बहना है। और ये देखो मेरा प्यारा बेटा, एंड स्पेशली थैंक्स टू माय हस्बैंड जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उनकी वजह से आज मैं इस प्रोफेशन में हूँ। सो गाइज वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू कि मैं अपना जॉब स्टार्ट कर दी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीडियोस नहीं बनाऊँगी। तो गाइज फाइनली मंदिर खुल गया है और मैंने कहा था ना कि हमारा गुड लक है, क्योंकि इवनिंग टाइम में हमेशा मंदिर कभी क्लोज नहीं होता है। मंदिर खुलते ही निशान की भी नींद खुल गया। अभी निशान पढ़ना। इशू सो गाइज अभी हम आए हैं गणेश मंदिर। तो ये है मंदिर का गेट। हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं और आई थिंक काफ़ी बड़ा मंदिर है और पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। कहाँ जा रहे हो? सो गाइज हम घर जाने वाले थे और हमारा प्लान चेंज हो गया और अभी हम आए हैं गणेश मंदिर। एंड लुक हियर, कितना सुंदर लग रहा है। वाओ यहाँ फोटोज बहुत अच्छे आएंगे। यहाँ से नीचे का व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना। ओह माय गॉड इतना ऊपर जाना होगा। हनुमान जी का मंदिर। तो गाइज ये देखो इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हम ऊपर। जा मासी के पास। प्रणाम कर लो। तो ये है शिव जी की गुफा। ये इतने सारे क्या है? अच्छा ये है टॉप से नीचे का व्यू। पापा रिशान के फ्रेंड्स हैं पापा और मम्मा। मम्मा ओके ओके बोलो मम्मा बोलो ठीक। Thank you.
अच्छा लगा मंदिर में? बहुत बहुत ओके। घर चले? नहीं बेटा, सुबह से तो बाहर ही है, चले घर। नहीं, ये ऐसा लग रहा है ना, ओ क्या बोलते हैं, अरे कौन सी जगह है जानू, वो कौन सी जगह है जो हम लोग गए थे सब लोग साथ में चढ़ाई करके, वैष्णो देवी। वैष्णो देवी वाली फीलिंग नहीं आ रही है? कह रहे वैष्णो देवी वाली फीलिंग नहीं आ रही है, पूरा एकदम पहाड़ों के बीच में। और ये हम अभी नीचे जा रहे हैं, मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और मंदिर काफी अच्छा था। काजल तो कैसा लग रहा है चढ़ाई? इसमें उतनी थकान नहीं हो रही है जितनी थकान वहाँ हुई थी? अरे वैसे भी ये छोटा है ना, ये वैष्णो देवी का एक छोटा सा ट्रिप है। हाँ मंदिर काफ़ी अच्छा था, मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ, मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली पता ही नहीं था यहाँ पे एक मंदिर भी है। किसको मारने के लिए रखे हो? मुझे लगा किसी को मारने की तैयारी है। नहीं मैं कुल्फी ले लूंगी। निशान आइसक्रीम खा रहा है, ये मंदिर के नीचे गार्डन है। नेक्स्ट कभी होगा ना खाना पीना बना के लाएंगे। पिकनिक स्पॉट है, शाम को ही मजा आएगा। व्यूज बहुत अच्छे। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। और गाइस जो भी हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और थोड़ा सा ब्लॉग लेट आएगा क्योंकि थोड़ी सी बिज़ी हो गई हूँ मैं। सो चलिए मिलते हैं फिर किसी एक अच्छे से ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।